हेलो दोस्तों दोस्तों यानी शेलकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्निका हेयर ऑयल के फायदे, उपयोग और कीमत के बारे में। दोस्तों होम्योपैथी में दो तरह के तेल बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। एक है आर्निका हेयर ऑयल और दूसरा है जबरंडी। आज हम आर्निका हेयर ऑयल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आर्निका का एक तरह की औषधि है जिसका प्रयोग होम्योपैथी में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। इसका तेल निकलकर कई तरह से प्रयोग किया जाता है। जब हम आर्निका की बात करते हैं तो सभी को हेयर ऑयल की याद आती है। ये बालों के लिए तो फायदेमंद है ही, उसके साथ साथ इसकी और भी कई फायदा है। दोस्तों ये तेल आप खा नहीं सकते, लेकिन बाहरी तौर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये एंटीबैक्टीरियल है जो कि सूजन और जलन को कम करता है। साथ में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है जो कि गठिया और नसों की दर्द को शांत करता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आर्निका तेल के कुछ इंपोर्टेंट जानकारी के बारे में। नंबर वन, बालों को झड़ने से रोकता है। दोस्तों अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप हफ्ते में दो बार आर्निका तेल लगाएं, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। अगर आप होम्योपैथी की कोई दवाई लेते हैं तो उसके साथ भी आर्निका तेल लगाने की सलाह दी जाती है। ये बालों को सुंदर और मोटा बनाता है। नंबर टू, बालों को सफ़ेद होने से बचाता है। दोस्तों आजकल 20 साल की उम्र में ही लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। अगर आपके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको आर्निका का तेल लगाना चाहिए, जिससे आपके बाल कुदरती काले होते हैं। नंबर थ्री, अर्थराइटिस। दोस्तों आर्निका तेल अर्थराइटिस की दर्द को भी दूर करता है। वर्ष 2002 में 79 लोगों पर हुई एक शोध में सामने आया था कि अर्थराइटिस के दर्द और चक्रण को दूर करने में आर्निका तेल काफी ज्यादा फायदेमंद है। दिन में दो बार आर्निका तेल का प्रयोग किया जाए तो ये फायदा देता है। नंबर फोर, सर्जरी के बाद होने वाले दर्द से छुटकारा। दोस्तों अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो उसके बाद होने वाले दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको आर्निका तेल लगाना चाहिए। आर्निका टोन्सिल का तकलीफ को भी कम करता है। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि अगर आप सर्जरी के दर्द से जूझ रहे हैं तो आपको आर्निका तेल लगाना चाहिए। ये रिकवरी भी तेजी से करता है। नंबर फाइव, एंटीबैक्टीरियल। दोस्तों आर्निका तेल एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। अगर आपकी त्वचा पर जलन आ फिर होंठ फटे हुए रहते हैं तो आपको अपनी त्वचा पर भी इसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये आर्निका तेल शुद्ध होना चाहिए, इसमें कोई और चीज ना मिली हो। नंबर सिक्स, मांसपेशियों की सूजन कम करता है। दोस्तों अगर आपकी मांसपेशियों में सूजन देती है तो मांसपेशियों की सूजन को कम करने के लिए भी आर्निका तेल लगाया जा सकता है। नंबर सेवन, बालों की रूसी को कम करता है। दोस्तों अगर आपके बालों में रूसी है जिससे आप परेशान रहते हैं तो बालों की रूसी को जड़ से मिटाने के लिए भी आर्निका तेल लगाया जा सकता है। बाल हमारे शारीरिक सौंदर्य का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए। तो इसके लिए आप आर्निका तेल लगा सकते हैं। ये आपके बालों को घना करता है, मोटा करता है और रूसी से भी बचाता है। दोस्तों हम इस बार जानते हैं आर्निका ऑयल कहां से खरीदें। दोस्तों आर्निका तेल बाजार में बहुत सस्ता मिल जाता है। ये आप किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से या फिर होम्योपैथी स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन से खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों लास्ट में हम जानते हैं आर्निका तेल का प्रयोग कब और कैसे करें। दोस्तों इसे आप सप्ताह में दो बार बालों में लगाएं। अगर आप किसी और प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं तो आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। ऐसे ही लाइफस्टाइल स्वस्थ और संतुष्ट जुड़ी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।